देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, पहले तो ये समझ लें कि अब तक जो हमने इससे पहले जो बॉन्ड वैल्यूएशन डिस्कस की थी, इसके अलावा इक्विटी वैल्यूएशन डिस्कस की थी, तो बेसिकली इस ये दोनों जो थे वो ये थे इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से, सही ना। इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जो आपके जब हम प्राइस निकाल रहे होते हैं तो प्राइस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल रही होती है, तो प्राइस ऑफ इक्विटी और प्राइस ऑफ डेट। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंपनीज पर्सपेक्टिव। कंपनीज पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जब आप डेट इशू करते हैं और इक्विटी इशू करते हैं तो कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, इसमें बताने की बेसिक बात यह है कि द रिटर्न जो प्राइस है या जो रिटर्न है इन्वेस्टर का है, वही कंपनी का कॉस्ट है, ठीक है ना। तो जो प्राइस जो इन्वेस्टर बाय कर रहा है शेयर के लिए, वही कंपनी के लिए कॉस्ट है जो इशू कर रही है ना। यानी कि जो अगर अगर बॉन्ड बाय किया है इन्वेस्टर ने, तो उस पर जो बेनिफिट होगा उसका, चाहे वो कैपिटल गेन की फॉर्म में हो चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में हो, एग्जैक्टली वही कॉस्ट होगी जो कंपनी पे करेगी। सिमिलरली शेयर्स के अंदर डिविडेंड या कैपिटल गेन अगर होगा तो वो कॉस्ट होगी कंपनी में। पहले तो यह कि प्रोस्पेक्टिव हम अब चेंज कर रहे हैं ना, तो अब हम बात करेंगे कंपनी के प्रोस्पेक्टिव नंबर वन। अच्छा, ये जो द सीरीज, ये जो सीरीज ऑफ द टू चैप्टर्स हैं, इसके अंदर पहला चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और सेकंड चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। तो बेसिकली पहला चैप्टर बात करेगा कॉस्ट की और सेकंड चैप्टर बात करेगा कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट दैट कॉस्ट इन द डिसीजन मेकिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉस्ट है बेसिकली, ठीक है ना। तो कंपनी के लिए कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कि कंपनी को कौन कैपिटल रेज कर रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हम जो यूज़ नॉर्मली कर रहे होते हैं वो वेट करते हैं वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली ये पूरा जो चैप्टर है वो बेसिकली वेट के बारे में है कि वो कॉस्ट के कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे, किस तरह से हम वो रेज करें, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन सो फार? जी, तो हम विल बी डिस्कसिंग सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कंपोनेंट कॉस्ट, वैट, और ये कि हाउ टू एडजस्ट द फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह ना। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि जो आपके कैपिटल है उससे मुराद हमारी क्या है, डेट और इक्विटी है, विच इज़ लॉन्ग टर्म। दो तरह के कैपिटल आप कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म जो होता है, डेट इज़ ऑल्सो वो इसमें शामिल नहीं है, जो कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए। ये तो कैपिटल यूज़ किया जाता है वो कोई प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके सोर्सेस क्या हैं, वन इज़ लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक। और अगर कॉमन स्टॉक की बात करें तो कॉमन स्टॉक जो है वो एक तो ये हो सकता है रिटेन अर्निंग इज पार्ट ऑफ कॉमन स्टॉक और न्यू कॉमन स्टॉक, यानी कि न्यू कैपिटल। तो रिटेन अर्निंग हो या नया कैपिटल हो, दोनों कॉमन स्टॉक का पार्ट ही समझे जाते हैं, सही ना। इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग रिटेन अर्निंग, ठीक है, तो वो भी हम एज इफ हम ये समझेंगे कि वो दैट इज़ बेसिकली हमने बोरो किया है फ्रॉम शेयर होल्डर, सही है। इसकी वजह ये है कि जो रिटेन अर्निंग होती है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉमन स्टॉक होल्डर, सही है। रिटेन अर्निंग क्या होती है बेसिकली? रिटेन अर्निंग होती है कि कंपनी ने कुछ पैसा बनाया और कंपनी ने फ्री कैश फ्लो क्रिएट किए हैं। अब ना फ्री कैश फ्लो के ऑप्शंस दो ही आते हैं, एक तो ये कि यू ट्रांसफर दैट मनी बैक टू द शेयर होल्डर्स, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो इक्विटी होल्डर को आप ट्रांसफर कर दें, या ये कि आप रिटेन करना है। जब रिटेन करेंगे तो एक्चुअली वो जो डिसीजन टू रिटेन होगा वो उस वक्त होगा कि जब आपका इंटरनल बेनिफिट जो कंपनी का आप रिटेन करने से मिल रहा है आपको, जो इन्वेस्टर को आप पास ऑन करेंगे, दैट शुड बी मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ओनली देन यू वुड बी एबल टू रिटेन। अगर आप वो रिटेन करके फॉर एग्जाम्पल बैंक में रखवा दिया आपने, तो मे बी जो बैंक में आपको रिटर्न मिल रहा है दैट इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर। तो क्या होगा कि वो रिटेन अर्निंग जो है इन्वेस्टर के वो उसका अफेक्ट जो है फ्यूचर डिविडेंड में वैसा नहीं पड़ेगा जैसा इन्वेस्टर समझते हैं। सो वॉट विल हैपन, प्राइस विल गो डाउन। सो इस वजह से हम ये करते हैं कि जो जो रिटेन किया जाता है या न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है वो जो है देखते हैं कि इफ दैट रिटर्न इज मोर देन द एक्सटर्नल रिटर्न, यानी कि इंटरनल रिटर्न टू द शेयर होल्डर इज मोर देन द एक्सटर्नल, ओनली देन यू विल बी रिटेनिंग इट, अदरवाइज आप जो है उसको पास ऑन कर दें।
इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो रिटेन अर्निंग है एक्चुअली ये क्या है, ये वो आपने एक्चुअली उसको डिविडेंड के फॉर्म में दिया एंड देन उसको वापस ले लिया, रिटेन रिटेन कर लिया, यानी बोरो कर दिया फॉर कंपनीज प्रोजेक्ट, ठीक है ना। इस वजह से इसको रिटेन अर्निंग को पार्ट ऑफ कॉमन स्टॉक रखता है। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? ओके सर, वैक जो है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो आपके, तीन बेसिक कैपिटल हैं, सोर्सेस ऑफ कैपिटल, उसके हिसाब से कंपोनेंट है। हर एक का जो है वो, हर एक की कॉस्ट अलग होती है। इस वजह से जो है ना, अब यहाँ पे डब्ल्यू डी इज वेट ऑफ डेट, डी इज डेट, पी इज प्रेफर्ड स्टॉक और सी ये जो एस है, अच्छा एस इज कॉमन स्टॉक, ठीक है ना। और जो डी है वेट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, और वेट ऑफ कॉमन स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, ठीक है ना। इसको जब ऐड करेंगे इन तीनों कंपोनेंट्स को तो यू गेट वैक, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो समझने की है, वो ये है कि यहाँ पे वन माइनस टी क्यों हुआ हुआ है, बाकी में वन माइनस टी क्यों नहीं है। एक प्रॉब्लम आती है इसमें, क्या इसका क्या वजह है? सर, आपकी आवाज़ चली गई थी, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। मेरा सवाल आपने सुना, मेरा सवाल ये था कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने देखे कंपोनेंट्स, तो जी जी सर, जो डेट के कंपोनेंट्स हैं, वन माइनस टी हुआ हुआ है इन टू, वन माइनस टी बाकी में नहीं हुआ हुआ है, इसकी क्या रीजन है? जी क्या हो सकती है रीजन? जी अमार आप बताएं। मेरे ख्याल से हमने चैप्टर 2 में ये पढ़ा था कि इसमें टैक्स हम लोग माइनस करते हैं हाँ डेट के कंपोनेंट को यूज करने से पहले ना, तो मुझे तो यही वजह लगती है। हाँ यानी इसकी रीजन जो है वो चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जो है जो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, ठीक है। सो जिसकी वजह से आप टैक्स सेविंग क्रिएट कर रहे हैं, सही है। तो जो भी आपकी इंटरेस्ट एक्सपेंस होगी दैट विल क्रिएट अ सेविंग, टैक्स सेविंग, ठीक है। और उस टैक्स सेविंग की वजह से अगर वो टैक्स सेविंग आप अपने कॉस्ट में से माइनस कर दें तो नेट कॉस्ट कम पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस केस के अंदर अगर देख लें कि फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट एक्सपेंसिस आपका 10% है, ठीक है ना। 10% इंटरेस्ट है आपका, लेट सपोज 1 लाख रुपए की आपने बोरिंग की हुई थी तो आपके पास 10,000 का इंटरेस्ट आता है। तो 10,000 का इंटरेस्ट मीन्स योर योर इनकम विल ग्रो बाय 10,000। यहाँ तक क्लियर है बात? 10,000 से कम होगी तो यू विल बी हैव टू पे लेसर टैक्स ऑन दैट इनकम। तो अगर आपका टैक्स रेट 40% है तो आपको 4,000 रुपये कम टैक्स देने पड़ेगा, यही है। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली यही है ये आप समझ में आ रही है बात आपको? जी सर। अगर ठीक है ना, तो अगर आपका 40% है तो 4,000 कम हो गया, दैट मीन्स कि अगर आपने 10,000 का इंटरेस्ट किया है तो 4,000 की सेविंग हो गई। तो अगर उस सेविंग को उस कॉस्ट में जो माइनस करते हैं तो एक्चुअली वो जो बोरोइंग की कॉस्ट थी वो 10% नहीं रही, वो आपकी 6% बन गई। यानी कि एक्चुअली कॉस्ट आपने जो पे की 6,000 पे की, बिकॉज जो 4,000 है वो जो है आपने सेव कर लिए, सही है, क्लियर होगी बात। सो अगर हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट बताएं तो के डी इज बिफोर टैक्स विच इज लेट सपोज 10%, तो 1 माइनस टी, अगर टी इज 40% है सो 10 का 60% इज 6%, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट होगी इफेक्टिवली वो 6% होगी, 10% नहीं होगी, सही है ना। 4% आपने इंटरेस्ट के फॉर्म में सेव कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? यस जी सर, क्लियर है। ठीक है अभी। सो अच्छा बाकी में नहीं है, बिकॉज प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक जो है इसके अंदर वो जो भी आप दे रहे होते हैं वो जो है आपका नेट ऑफ टैक्स होता है, तो इसके अंदर टैक्स सेविंग नहीं होती, तो इसलिए आप एज इट इज लेते हैं। याद है मैं, हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 में कि इनोमली भी आ जाती है कि यू हैव अगर आपका जो है डेट है तो आपको डबल टैक्सेशन करनी पड़ती है, अगर आप आपकी इक्विटी है तो आपको
तीन दफा टैक्स देना पड़ता है तो बिकॉज यू यू आर बेसिकली टैक्स सेविंग आप नहीं कर रहे। ये अभी आपने नॉर्मली बात की थी, पर हमने कहा था 70% ऑफ इक्विटी इज टैक्स डिडक्टेबल, तो इसकी वजह से वैक के अंदर 1-T आ रहा है। सही है ना, क्लियर है बात समझ में आई? स्टॉक होल्डर्स फोकस ऑन आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, देयरफॉर वी शुड फोकस ऑन आफ्टर टैक्स कैपिटल कॉस्ट, यूज आफ्टर टैक्स कॉस्ट इन वैक ओनली केडी नीड्स टू बी एडजस्टेड। ये हमने बात कर ली है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि शुड आर एनालिसिस बी हिस्टोरिकल और मार्जिनल। हिस्टोरिकल मीन्स एम्बेडेड। इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ये जो हमारा एनालिसिस है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने कॉम्पोनेंट रखा है या केडी रखा है, ये केडी जो है वो दो सूरतों से हो सकता है। जैसे हमने उसमें ही बात की थी रिस्क एंड रिटर्न वाले चैप्टर में, कि आपका एनालिसिस फॉरवर्ड लुकिंग भी हो सकता है और हिस्टोरिकल भी हो सकता है। तो केडी तो वो भी हो सकता है कि जो आपने लास्ट बोरिंग की है, और केएस और केपी वो कॉस्ट हो सकती है कि जो आपने इशू किए हैं कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। सो एनालिसिस शुड बी हिस्टोरिकल और एम्बेडेड। क्या होना चाहिए, एम्बेडेड हो या मार्जिनल हो? और क्यों हो? सर आई थिंक मार्जिनल होना चाहिए। नहीं चाहिए सर। क्यों, वजह? सर एक्चुअली सर हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमिन करनी है सर, तो डेफिनेटली हम फॉरवर्ड लुकिंग होंगे सर, नॉट बैकवर्ड। लॉजिकल बात है, बहुत कॉमन सी बात है कि बिकॉज आज अगर आप बोरो करेंगे तो आज जो बोरो करेंगे उसकी कॉस्ट होगी, तो दैट शुड बी मार्जिनल, हिस्टोरिकल नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये और बातें हम अज्यूम करते हैं बाज़ दफ़ा, जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट्स में अज्यूम करेंगे कि भाई वो जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है हम वही कहेंगे आगे फ्यूचर में होगी, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट शुड बी मार्जिनल। हिस्टोरिकल कॉस्ट वक्त अज्यूम करते हैं व्हेन वी अज्यूम के दे वुड नॉट बी एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रिस्कनेस ऑफ द फॉर्म, तो रिस्क सेम रहेगा तो कॉस्ट सेम रहेगी, वरना ये कि हम मार्जिनल करेंगे। ठीक है, क्लियर है? वेट्स कैसे डिटरमिन किए जाते हैं? दिस इज रेड पोर्शन। यूज अकाउंटिंग नंबर ऑफ मार्केट। सबसे पहले तो वेट्स क्या होते हैं, सही है? वेट्स जो है बेसिकली एक तरीका तो ये होता है कि आप अपने अकाउंटिंग नंबर से वेट्स डिटरमिन करें। वो कैसे है कि आपने देखा टोटल डेट कितनी है और डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी, तो वो डेट का पोर्शन आ जाएगा। यानी डेट प्लस इक्विटी का इसको डिवाइड कर दें डेट से, तो यू विल गेट द वेट ऑफ डेट। इसी तरह से आपने कॉमन स्टॉक को देख लिया, उसको डिवाइड कर दिया टोटल इक्विटी से, तो कॉमन स्टॉक की आ गई। सिमिलरली प्रेफर्ड स्टॉक की आ गई। सो एक तरीका तो यह है कि आप जो है उसको उसको हिस्टोरिकल बेसिस पे कर लें, सही है? और एक तरीका है मार्केट वेट्स पे कर लें। मार्केट वेट्स का मतलब ये होता है कि आपने डेट को बुक वैल्यू के बजाय मार्केट वैल्यू ले लें, स्टॉक्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट को बुक वैल्यू के बजाय मार्केट वैल्यू ले लें, इसको कहते हैं वेट्स। ठीक है ना, सो कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर है? सर वैसे तो मार्केट का बेहतर लग रहा है, लेकिन मार्केट का इतना आसान नहीं है मेजर करना, तो हम बुक पे ही जाएंगे। तो असल ये बात बिल्कुल 100% सही है कि मार्केट जो है दैट इज बेहतर, तो लॉजिकली तो यही है कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी मार्केट वेट बेस्ड, लेकिन जो है क्योंकि मार्केट में वेट में सब्जेक्टिविटी होती है, सो तो इस वजह से खासतौर पर डेट के अंदर समटाइम्स आपके डेट की मार्केट वैल्यू नहीं होती, तो देन यू हैव टू हैव अ सब्जेक्टिव जजमेंट, तो इसलिए हम बुक पे जा रहे होते हैं। एक चीज़ समझ लें, ये जो वेट्स होते हैं ये कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाते हैं और ये लॉन्ग टर्म होते हैं। दूसरा इसका एक रीज़न ये होता है कि वेट्स इज डिसाइडेड, जैसे यहाँ लिखा है ना, यूज एक्चुअल नंबर और टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, ये दूसरा पॉइंट आता है कि या तो वो एक्चुअल नंबर लें, यानी कि नंबर्स बेस्ड ऑन अकाउंटिंग नंबर्स ऑफ बुक वर्सेज मार्केट, या कोई टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर लें। तो अमूमन क्या किया जाता है, ये सेकेंड पार्ट किया जाता है, एक टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 60-40 ले लिया, जरूरी नहीं है कि आपका डेट का वेट 60 या 40 हो, सही है, मे बी नहीं हो, लेकिन ये कि आपने टारगेट ले लिया। इसकी वजह क्या होती है कि जो फर्म जो होती है, आप ये समझें कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है डेट मैंने आपसे पहले ही बताया था, डेट डिसाइड्स अबाउट द फर्म्स पर्सनैलिटी, कि वो एग्रेसिव है, वो जो है कंजर्वेटिव फर्म है, वो किस तरह से चैलेंजेस का को डील करती है, किस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ का मुकाबला करती है, ये सारा जो
फर्म की जो डिसीजन है ना उसकी पर्सनैलिटी वो बेस करती है उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से. अगर इफ़ यू हैव अ कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज़ गियर्ड टूवर्ड्स डेट तो फर्म एग्रेसिव हो जाएगी. तो जो फर्म की जो पर्सनैलिटी जब आप चेंज करते हैं तो वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है वो 100% इक्विटी बेस्ड है. आपको बहुत सारी पाकिस्तानी कंपनी नजर आएंगी ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है इक्विटी बेस्ड कंपनीज है. तो सडनली उन्होंने स्टार्ट किया कि वी नीड एक्सपेंशन. ठीक है ना, हमें एक्सपेंशन करनी है, हम जो है ना ऑर्गेनिक ग्रोथ पर हैं, हमें जो है ना एक फ्यूचर में रिस्क लेने हैं, हमें बहुत तेजी से एक्सपेंड करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम वो ये करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑल्टर करेंगे. पहला काम ये होगा. तो कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे ऑल्टर करेंगे, मे बी सब पहला जो है वो डेट लेंगे और डेट से हम अपनी बैलेंस शीट बड़ी करेंगे और उससे जो है आप इन्वेस्ट करेंगे. सो ये व्हाट विल हैपन, कैपिटल स्ट्रक्चर विल ऑल्टर एंड दैट ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है फर्म की जो है पर्सनैलिटी जो है चेंज हो रही है टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स आउटलुक्स. सही ना, तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि वो लैग होता है कि आप जो है किसी नंबर से डिसाइड करें. समटाइम्स ऐसा होता है कि यू डिसाइड अ कैपिटल स्ट्रक्चर कि हमारा ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है और अपने अपने कैपिटल बेस को अकॉर्डिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर को ओवर टाइम सेट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपका 60-40 होना चाहिए, 60% डेट 40% इक्विटी, अभी जो 50-50 है. सो व्हाट विल हैपन कि आप नई डेट लेंगे तो क्या होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर इन लॉन्ग टाइम यानी कि थोड़े अर्से में जो है वो 60-40 पर मूव कर जाएगा. सही ना, कुछ लोग इसको रैपिडली भी मूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो करते ही हैं कि नई डेट लेके कोई और काम नहीं किया, हमने इक्विटी को रीपरचेज कर ली. सो इट्स अ वेरी अग्रेसिव मूड कि आपने डेट ले ली और डेट के पैसों से अपने इक्विटी रिपर्चेज कर ली. तो इससे क्या हुआ, इक्विटी का पोर्शन कम हो गया, डेट का पोर्शन बढ़ गया. तो ये एक अग्रेसिव मूड होता है. ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग दैट शोज द पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी. तो समटाइम्स जो है वो नंबर्स को इस तरह से नहीं दिया जाता कि आपके एक्चुअल नंबर के हिसाब से ही रखें, वो जो है टारगेट भी होता है बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म डिसीजंस और उसके हिसाब से अपने आप को टारगेट कर रहा है कंपनी, अपने आप को चेंज करती है. क्लियर है बात, कोई क्वेश्चन सो फार? सर एक चीज है सर, अगर कंपनी हायर वैक कर देगी अपना, यानी आई मीन इट्स कीप ऑन रेजिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल, तो आपको नहीं लगता कि कंपनी विल गो टुवर्ड्स मोर रिस्कीनेस सर? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एग्रेसिव हो जाएगी ना कंपनी. कंजर्वेटिव वर्सेस एग्रेसिव. एग्रेसिव कंपनी वो होती है जो रिस्क टेकर बन जाती है, जो अपॉर्चुनिटीज को देख रही होती है. अब देखे ना, अगर हमारा 50-50 कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, सो कंपनी कैन नॉट बी सेड कि वो ना अग्रेसिव है ना कंजर्वेटिव है. लेकिन अगर आपका कंपनी 100% इक्विटी बेस्ड है तो ये बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव कंपनी है, ऑर्गेनिक ग्रोथ पे चल रही है, उसको ज़्यादा ग्रोथ की परवाह नहीं है. लेकिन अगर वो अग्रेसिव होना चाहती है तो फर्स्ट पहला काम ये करेगी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करेगी. सही है ना, तो वो रिस्कनेस तो बढ़ जाएगी ना, लेकिन आप किधर खड़े हैं वो देखना पड़ेगा. सही है ना, यानी आप इफ यू आर ऑलरेडी डेट पे हैं तो उसके बाद मजीद आप डेट लेने से जारी बात है आपका वो डिसीजन सही नहीं होगा. सो यू हैव टू सी कि व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू के हिसाब से व्हाट वुड बी द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म 10 साल बाद एक वैल्यू देख रही है कि भाई मार्केट कैप इतना होना चाहिए, उसके लिए यू नीड अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और देन उसके लिए आज आपके अग्रेसिव कैपिटल स्ट्रक्चर रखेंगे तो कल वो वैल्यू हो जाएगी. सही है ना? सर मेरे जहन में एक बात आ रही थी, आई मीन व्हेन डॉक्टर इरशाद वाज़ द डीन एंड डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईबीए, डीन एंड डायरेक्टर ही वाज़ नेवर द एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने उनका एक फोकस था कि ही वांटेड टू बिल्ड द आईबीए, आई मीन रिवैम्प द आईबीए. तो उस टाइम पे आईबीए के अंदर इतनी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी, यू नो इट्स बहुत कम ही बिल्डिंग्स होती थी, आई मीन 2-3 बिल्डिंग्स होती थी. बट व्हेन डॉक्टर इरशाद केम इन, उन्होंने बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स बना दी, आई मीन ही बिल्ट मेन कैंपस, ही बिल्ट सिटी कैंपस. तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर इनका एक कैपिटल स्ट्रक्चर अफेयर से कि बहुत ज़्यादा बूम कर दिया. लेकिन ऑन द अदर एंड इट वॉज नेवर क्रिएटेड विद एनी डेट्स, एवरी थिंग वॉज स्पॉन्सर्ड. तो इस चीज़ पर सर आई मीन क्या कहना है कि एग्रेसिव भी गए एंड वी सेव आवर डेट्स. लेकिन आईबीए जो है ना वो पहली बात तो ये है कि वो जो डोनेशन पे आई थी, पैसे जितने भी पैसे जो अलग हैं बैंकों के अंदर, देखें सीएसआर के पैसे होते हैं बेसिकली. बैंकों के पास बाय लॉ भी होता है, वैसे भी टैक्स सेविंग की वजह से भी ना बैंकों के पास काफी पैसा होता है जिससे वो इन्वेस्ट करते हैं डोनेशन के फॉर्म में. तो अगर आप अपने आप को एज अ थर्ड सेक्टर के फॉर्म में और अगर आप अपने आप को उस सेंस में प्रोजेक्ट करेंगे तो विल गेट डोनेशन.
और आईबीए जो है जिस सेक्टर में आता है वो एजुकेशन सेक्टर है विच इज लार्जली बेस्ड ऑन सोशल बेनिफिट ना. तो अगर आईबीए अपने आप को इस तरह पोजीशन करता है तो उसके लिए तो डोनेशन का जो मॉडल है उससे आपकी ग्रोथ बड़ी तेज हो जाएगी. सिर्फ आईबीए नहीं, आप इंडस हॉस्पिटल को देखें, इंडस हॉस्पिटल का बिल्कुल ऐसे डोनेशन बेस्ड मॉडल है. इंडस हॉस्पिटल इज नाउ गियरिंग टू बिकम द लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान. 1800 बेड का वो अपना वहाँ बना रहा है, तो पैसा आ रहा है तभी तो बना रहा है. तो हाँ, तो ये है कि ये जो डोनेशन बेस्ड मॉडल होता है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट अप्रोचेस से चलते हैं. नहीं सर, माय थिंग वाज सेइंग के आई मीन के ये ऐसी फिर ऑर्गेनाइजेशन है दैट फॉल्स अंडर के इनका कैपिटल स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा लेकिन उनकी रिस्कीनेस भी नहीं बढ़ेगी. देखिए अभी अगर आप आईबीए का भी कैपिटल स्ट्रक्चर देखें तो आईबीए के पास डेट नहीं है, जीरो डेट है, ठीक है ना. नंबर वन. नंबर टू ये कि आईबीए ने अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है डेट में. तो आईबीए हैज अ सरप्लस कैपिटल स्ट्रक्चर. तो अगर अकॉर्डिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर देखें तो आईबीए इज अ वेरी एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन. आईबीए डोंट टेक रिस्क. तो कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं होता. कॉर्पोरेशन के अंदर पहली बात तो देयर इज नो डोनेशन, ठीक है ना. डोनेशन नहीं होती. कॉर्पोरेशन में ओनर्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एंड दे रिक्वायर रिटर्न, क्योंकि कॉर्पोरेशन इज कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आई. तो आईबीए के अंदर जो डोनेशन आई हैं वो बेसिकली जो आपने शो किया है, यानी कि जो आपको डोनर्स को शो किया है, तो दैट इज बेसिकली इट्स अ नॉन कमर्शियल काइंड ऑफ एन एक्टिविटी. और बीइंग अ गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, आईबीए में गवर्नमेंट सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती भी ज्यादातर थर्ड सेक्टर में ज्यादा क्लोजली लिंक करती है बिकॉज दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज. और बात है कि ओवर टाइम आईबीए का बिजनेस मॉडल इज गियर्ड टुवर्ड प्रॉफिट मेकिंग. आई डोंट नो कितना है लेकिन ये कि अमूमन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं करती, तो इस वजह से हम इसको एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ट्रीट करेंगे. सो ये था कि कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी टारगेट बेस्ड रादर देन एक्चुअल नंबर्स, ठीक है. अच्छा, तो हमने दो चीजें डिसाइड कर दी कि मार्जिनल कॉस्ट होनी चाहिए, केडी शुड बी मार्जिनल कॉस्ट. कैसे निकालेंगे, हाउ वुड यू नहीं आप हाउ वुड यू कैलकुलेट, या अपना हमें मालूम है कि यील्ड टू मैच्योरिटी जो है ना ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट जो है, ये यील्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट है, इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है, और वही आपके लिए कॉस्ट है. तो यील्ड टू मैच्योरिटी जो इन्वेस्टर के लिए होता है उसको 1-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ डेट. और ये हमने बात कर ली. थर्डली ये कि हाउ टू एडजस्ट द फ्लोटेशन कॉस्ट. यहाँ पे देखें, अगर हमने नई डेट इशू किया है तो देर इज माइनर फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व. थोड़ा सा इसमें ये समझ लें कि फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो क्या होती है. फ्लोटेशन कॉस्ट ये होती है कि जब आप कोई नई डेट इशू करते हैं तो उसको फ्लोट करने के लिए पहले तो ये कि आपको जो है ना कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करते हैं, फिर वो जहाँ पे इशू करते हैं उसके अंदर जो है लीगल कॉस्ट भी होती है, उसके अंदर जो है फ्लोटेशन रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी होती है, तो ये सब मिला के उसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. सो जब भी कोई नई डेट इशू होती है तो उसमें एक फ्लोटेशन कॉस्ट होती है. तो फ्लोटेशन कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है ये समझ लें, रूल ऑफ थंब याद रख लें. ये डेट में भी अप्लाई होगा, ये इक्विटी में अप्लाई होगा. फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा जो है प्राइस के अंदर एडजस्ट की जाती है. फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये डेट का जो है फॉर्मूला है इसके अंदर, दिस इज पी वी ए एंड दिस इज पी वी, ये वही चीज़ है जो आपने की हुई है. इन दोनों को जब मिलाते हैं तो यू गेट द प्राइस ऑफ द शेयर. तो प्राइस ऑफ द शेयर में फ्लोटेशन कॉस्ट एड कर देते हैं एंड देन कैलकुलेट द आर डी, बेसिकली वाई टी एम जब निकालेंगे तो वो जो वाई टी एम होगा उसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट ऐड होगी. यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज एडेड इनटू द प्राइस. तो होगा क्या, बेसिकली वाई टी एम निकालने के लिए यू नीड फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स. तो आपके पास जो है एफ सी होना चाहिए. वाई टी एम निकालने के लिए आपको जो है पी एम टी में ऐड करेंगे और प्रेजेंट यानी जो आपकी प्राइस है वो ऐड करेंगे. एवरीथिंग यू एड एंड देन कैलकुलेट आई, तो आई वुड बी द YTM, yield to maturity. So, करना ये होगा कि प्राइस जो होगी दैट वुड बी नेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है फ्लोटेशन कॉस्ट तो माइनस कर देंगे. अमूमन फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज होती है, तो अगर हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट 1% है प्राइस की तो आप प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.99 से, दैट मीन्स यू विल डिक्रीज द प्राइस बाय 1%. सो दैट प्राइस विल इंक्रीज, जितना प्राइस कम होगी उतना ही आई आपका बढ़ जाएगा yield to maturity, ठीक है ना. सो दिस इज हाउ यू वुड एडजस्ट द फ्लोटेशन कॉस्ट. क्लियर है जी, बात समझ में आई. जी नवेद, yes,
और कोई सालिक हमजा जी जी सर आ गई सर आ गई सर आ गई सर सो दिस इज द एग्जांपल वी डोंट नीड टू गेट इनटू इट अगेन हमने एग्जांपल कही थी एंड देन ये आपने जो है ना आई मालूम किया व्हिच इज टीवी है व्हिच इज 5% सो सर ये तो हमने सेकंड इज प्रेफर्ड स्टॉक ठीक है प्रेफर्ड स्टॉक जो है अगेन प्रेफर्ड स्टॉक इज मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट होती है देन प्रेफर्ड स्टॉक के लिए क्या करेंगे जिस तरह कॉमन स्टॉक करते हैं जैसे ये था प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड अपॉन प्राइस सो द डिविडेंड दैट यू एक्सपेक्ट टू पे डिवाइड बाय द प्राइस गोइंग प्रेफर्ड स्टॉक दैट यू विल बी गेटिंग द रिटर्न दिस इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक ठीक है ना क्लियर तो ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने प्रेफर्ड स्टॉक पहले निकाला था ये वैसे ही कॉस्ट है क्लियर अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ऐड करनी है तो कहाँ ऐड करेंगे रूल ऑफ थंब क्या है प्राइस में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देखें जब आपने फ्लोटेशन कॉस्ट ऐड करनी है तो वो प्राइस में हमने ऐड कर एक चीज यहाँ पे समझ लें फ्लोटेशन कॉस्ट जो होती है प्रेफर्ड स्टॉक की और डेट की वो इतनी कम होती है कि समटाइम्स इट इज इग्नोर्ड असल जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो इक्विटी की होती है तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे लेकिन अमूमन अगर हमें फिर भी करना हो तो हमने एक ये बता दिया रूल ऑफ थंब के फ्लोटेशन कॉस्ट विल ऑलवेज बी एडेड इन प्राइस तो जैसे अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे आप एंड दिस इज अ परसेंटेज अगर 2% है तो ये हो जाएगा 1-2% विच इज 98% तो प्राइस विल बी डिक्रीज टू 98% लेवल तो अगर प्राइस कम हो जाएगी तो रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक बढ़ जाएगा वो जितने रेट से बढ़ेगा दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन विदाउट एंड विद फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपको पता चल जाएगा कितने कितने रेट से आपका रिटर्न बढ़ रहा है सही है क्लियर अच्छा सर ये कंपनी के लिए तो रिटर्न बढ़ जाएगा लेकिन इन्वेस्टर के लिए तो कम हो जाएगा ना कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी इन्वेस्टर के रिटर्न बढ़ जाएगा क्योंकि प्राइस कम हो रही है ठीक है सही है कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ रही है अच्छा ये अब थोड़ी सी बात है इट्स नॉट टैक्स डिडक्टेबल तो इसलिए हमने पूरा हमने डिस्कस भी कर लिया था Preferred stock is more or less risky to debt. Preferred stock जो है वो ज़्यादा risky है. ये भी हमने पहले discuss किया हुआ है कि firm जो है try to pay preferred stock. Otherwise क्या होता है dividend common stock पे नहीं pay कर सकते. Additional fund नहीं ले सकते. Preferred stock में gain control the firm. ये जो third party ज़्यादा होता है कि जब preferred stock में आप pay नहीं करते तो preferred stock को voting right मिल जाता है जिसकी वजह से आपकी management भी topple हो सकती है. तो जो ये वजह जो है ना इसकी वजह से प्रेफर्ड स्टॉक के पास एक इम्प्लिसिटली एक होता है कंपनी को पे करना है लेकिन लीगली प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड पे करना जरूरी नहीं है क्लियर ये भी हमने वो 70% वाले की बात कर ली थी तो बात कर ली थी ये टैक्स एडजस्टमेंट है आई थिंक यू रिमेंबर ये हमने पहले डिस्कस किया था याद है कि 70% ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक अगर आपने एक दो कंपनीज ने बाई किया हुआ है यहाँ से शुरू कर ले कॉर्पोरेशन ओन मोस्ट प्रेफर्ड स्टॉक बिकॉज 70% डिविडेंड्स आर नॉन टैक्सेबल टू कॉर्पोरेशन ये मैंने आपको बताया था एक कंपनी ने अगर दूसरी कंपनी का प्रेफर्ड स्टॉक बाई किया हुआ है तो जो दूसरी कंपनी में जो डिविडेंड आएगी पहली कंपनी से वो डिविडेंड जो है उसमें 70% टैक्स डिडक्टेबल होगा तो उस दूसरी कंपनी का जो कॉर्पोरेट टैक्स होगा वो सिर्फ 30% पे पहली कंपनी के डिविडेंड के सिर्फ 30% पे लगेगा ठीक है ये क्लियर है याद आ गया आपको पहले हमने डिस्कस किया हुआ था ये उसकी कैलकुलेशन है सो अगर हम ये बात करते हैं 70% टैक्स डिडक्टेबल है सो तो ये जो बन रहा होता है कॉस्ट ऑफ डेट इज 6% बन रही है और दूसरी कंपनी ने प्रेफर्ड स्टॉक लिया हुआ है तो इट्स 7.92 था तो रिस्क प्रीमियम जो है 1.92 बन रहा है प्रेफर्ड स्टॉक का सही है Now next is common equity. Common equity में क्या होगा कॉमन इक्विटी के अंदर जो है दो parts आते हैं one is retained earning. मैंने बताया retained earning why it is considered to be common equity हमने discuss कर लिया How to determine common equity
तीन तरह के मेथड्स होते हैं। कैपएम का मेथड है, ये मैंने आपको बताया, रिस्क बेस्ड मेथड है जिससे आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकलता है। DCF है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल, ये रिटर्न बेस्ड मेथड है, इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलता है। और जब मार्केट इक्विलिब्रियम होती है तो कैपएम इक्वल्स टू DCF होता है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी का, अब इसके अंदर कुछ अजम्पशंस है, फॉर एग्जांपल आपको बीटा मालूम होना चाहिए, बीटा के लिए प्राइस मालूम होनी चाहिए, तो अगर प्राइस और बीटा अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम इतना इशू करती है शेयर और उसका अपने शेयर करने जा रही होती है, यू डोंट नो द प्राइस एंड यू डोंट नो द बीटा, तो उसके लिए जो है ना फिर हम एक तरीका तीसरा करते हैं, वो होता है बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। दैट मीन्स कि कंपनी ने अगर पहले बॉन्ड इशू किया हुआ है तो उसकी यील्ड के अंदर हम सब्जेक्टिव रिस्क प्रीमियम एडजस्ट कर देंगे, ये जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम को हम ऐड कर देंगे। तो अगर इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है ये बेसिकली ये है KM माइनस KRF, ठीक है ना, ये मार्केट का इक्विटी रिस्क प्रीमियम है। तो अगर हम ये इक्विटी रिस्क प्रीमियम इसमें ऐड कर दें इसकी अपनी बॉन्ड यील्ड के अंदर, और इसके अंदर थोड़ी सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट भी कर दें, क्योंकि इक्विटी रिस्क प्रीमियम मार्केट का है, KDE के अंदर इसका अपना डेट का रिस्क प्रीमियम तो है, विच इज एन इक्विटी का इसका अपना रिस्क प्रीमियम शुड बी अ बिट मोर देन द, तो उसमें सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट करके यू कैन कैलकुलेट अ बॉन्ड यील्ड। जी सही, हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें रिस्क की रेट वगैरह क्या मतलब वो थोड़ा प्रिपेयर कर देंगे सर, मैंने मिस कर दिया। आपकी आवाज़ कम आ रही है, मैं समझाऊँ कि आप रिस्क रेट जो प्रोजेक्ट के लिए देखें ना, आपके पास रिस्क रेट मौजूद होगा, रिस्क रेट आप जो है ट्रेजरी बिल का रेट ले लें, वो टी बॉन्ड का रेट ले लें, KM और KRF यानी रिटर्न मार्केट आपके पास मौजूद होगा, आपका KSE 100 का रिटर्न आपके पास मौजूद है, सारी कंपनी जितने भी आपने प्रोजेक्ट में लिए हैं दे आर ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उसका बीटा मौजूद होगा, सो यू कैन, यानी इसकी जरूरत नहीं होगी, यानी यू कैन कैलकुलेट इन दोनों मेथड से भी कर सकते हैं। सही है, थैंक यू, थैंक यू। सो ये एग्जांपल है, इन्होंने निकाला 14.2% DCF के थ्रू निकाला 13.8%। नाउ अब मुझे बताएं ये कंपनी ओवर प्राइस है अंडर प्राइस है? जी इसका जो है 14.2 आ रहा है कैपम के थ्रू और DCF के थ्रू आ रहा है 13.8, ये ओवर प्राइस कंपनी है अंडर प्राइस कंपनी है? जी कौन बताएगा सर? ये एक्सपेक्टेड आपका इसमें कम है, हाँ रिक्वायर्ड ज्यादा है इसमें, हाँ क्या हुआ, ओवर प्राइस है अंडर प्राइस है? तो आपका ये एक मिनट में, जब एक्सपेक्टेड कम होता है रिक्वायर्ड ज्यादा होता है तो क्या होना चाहिए, आप बाय करेंगे सेल करेंगे? ऐसे ना, सेल करेंगे ना, तो सेल किस चीज को किया जाता है? ओवर प्राइस चीज को सेल किया जाता है अंडर प्राइस को? ओवर प्राइस को, ओवर प्राइस सही है ना, तो ये ओवर प्राइस है बेसिकली, ठीक है। अच्छा नाउ जी कैलकुलेट करने का तरीका ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि जी जो है वो ROE विच इज टोटल रिटर्न मल्टीप्लाई बाय रिटेंशन रेट विच इज 1 माइनस पे आउट रेट। अगर आपने पे आउट 65% कर लेना है तो यू आर रिटेनिंग 35% टू मल्टीप्लाई रिटेंशन बाय योर 35% रिटेंशन रेट, तो आपको ये मालूम हो जाएगा जी, तो जितना आप रिटेन ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी ग्रोथ होगी, यानी कि जी इज द रिटेन अर्निंग और रिटेन अर्निंग डिपेंड करती है आपकी रिटेंशन पर। यहाँ तक बात क्लियर है? तो जितना आप रिटेन ज़्यादा करेंगे उतना ही कल के शेयर में ग्रोथ आपकी ज़्यादा होगी, क्लियर है ये बात? जी सर। वो नॉन कांस्टेंट ग्रोथ है, ये बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम है, ये तीनों मेथड से निकाला है। समटाइम्स पीपल यूज एवरेज, तीनों से निकालें और एवरेज कर लें, तो एवरेज करने में फायदा ये होता है कि यू हैव मोर जस्टिफिकेशन टू योर चॉइस बेसिकली। समटाइम्स लोग जो है जब आपकी तलाश में होते हैं कि आपने क्या क्यों किया है, तो यू कैन हैव एन एवरेज एज वेल। तो अगर हम ये देखें कि तीनों का एवरेज है 14%, तो यू कैन हैव अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ 14% विच इज ऑल्सो इक्वल टू योर बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम। तो ये अच्छा है कि आप इसको थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग वर्सेज कॉस्ट ऑफ
इशूइंग न्यू शेयर्स तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज चीपर देन द कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक. वजह बिकॉज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज द फ्लोटेशन कॉस्ट. दोनों की चीज बराबर है लेकिन क्योंकि रिटेन अर्निंग के लिए देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड इक्विटी शेयर के लिए देयर इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट, तो इस वजह से जो है आप जो है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग उससे कम होती है. आप एक चीज समझ लें कि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 60-40 है तो आपका 60% डेट है और 40% इक्विटी है. तो जो 40% इक्विटी होगा, लेट सपोज आपने फॉर एग्जांपल आप 100 मिलियन की फाइनेंसिंग चाहते हैं तो 100 मिलियन की फाइनेंसिंग के लिए आपने तय किया 60-40 के हिसाब से, तो 60 मिलियन आप बोरो करेंगे और 40 मिलियन के आप शेयर इशू करेंगे. ठीक है ना, 40 मिलियन के शेयर इशू करेंगे तो उसके लिए आपको पहले देखेंगे आपकी अपनी रिटेन अर्निंग कितनी है. ठीक है, तो उस 40 मिलियन में लेट्स सपोज आपके पास 20 मिलियन की रिटेन अर्निंग है तो पहला जो है ना आप अपने एग्जॉस्ट करेंगे लोएस्ट कैपिटल व्हिच इज रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग क्या जो है उसकी कॉस्ट सबसे कम होती है बिकॉज उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती, तो पहले वो एग्जॉस्ट करेंगे. तो अगर लेट्स सपोज 20 मिलियन की रिटेन अर्निंग है तो सिर्फ आप 20 मिलियन के नए शेयर इशू करेंगे. सही ना, सो फर्स्ट रूल ये कहलाता है कि फर्स्ट यू विल बी एग्जॉस्टिंग योर एग्जिस्टिंग चीपर कैपिटल. वंस दैट कैपिटल इज एग्जॉस्टेड देन यू कम टू द एक्सपेंसिव कैपिटल. तो रिटेन अर्निंग अगर आपकी टोटल 30 मिलियन की है तो सिर्फ आप 10 मिलियन के शेयर इशू करेंगे. यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर 60 मिलियन की अगर आपके पास डेट है तो पहले आप चीप डेट को अवेल करेंगे, उसके बाद एक्सपेंसिव डेट करेंगे. सही, ये क्लियर है? एनी क्वेश्चन? So when company issue new stock, so issuing new stock may send negative signal to the capital market, which may depress the stock price. ये negative signal क्यों जाता है stock issue करने में, कोई बताएगा? तो कोई positive बात होनी चाहिए. जी. Any idea? सर शायद इसलिए कि negative sentiment जाता है कि company पैसे रिस्क कर रही है किसी वजह से. पैसे क्या कर रही है? ऐसे रेस कर रही है तो नेगेटिव क्यों जाएगा, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना भाई. कोई बता कहे कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, पैसे रेस कर रही है, क्या नेगेटिव क्यों जाएगा? जी सर, ऐसे जाएगा कि कंपनी के पास लैक ऑफ फंड्स है एंड नीड्स सम एडिशनल फंड्स टू फंड द प्रोजेक्ट और न्यू और अ न्यू चेंज व्हाटएवर दे आर डूइंग. तो मतलब वो फंडिंग के लिए मे बेसिकली जो इसलिए शायद न्यूज़ और कॉमन स्टॉक इशू कर रही है, ये सिग्नल जा सकता है. तो ये तो पॉजिटिव है ना भाई, ये तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि आपके पास फंड कम है, आपके पास जगह वो है क्या कहते हैं, आपके पास जो है जगह है इन्वेस्टमेंट की, फंड कम है, इसका मतलब कंपनी एक्सपेंड करेगी. नेगेटिव क्यों जा रहा है सर? बट डिविडेंड डिवाइड हो जाएगा ना, फिर डिविडेंड जो इन्वेस्टर्स का जाएगा वो भी डिवाइड हो जाएगा. नहीं देखें, लिक्विडेशन तो नहीं हो रही ना, डिविडेंड डिवाइड तो नहीं हो रहा क्योंकि आपका बेस तो बढ़ रहा है ना. यानी कि आपने जो नया पैसा इशू किया है तो नए शेयर इशू करेंगे और बेस बढ़ जाएगा आपका, तो नया पैसा आएगा तो नया उसका डिविडेंड भी बढ़ जाएगा. है डिविडेंड डिवाइड तो उस वक्त होता है जब आप एग्जिस्टिंग इनकम में ज़्यादा लोगों को हिस्सेदार बना रहे थे. इसकी क्या रीज़न हो सकता है? जी और कोई आइडिया ऐसी? देखें मैं समझाता हूँ अगर तो प्रोजेक्ट अगर आप कोई कंपनी लगा रही है ना, इन्वेस्टर डोंट नो कि आप प्रोजेक्ट कौन सा लगा रहे हैं. ठीक है ना, इन्वेस्टर सिग्नल लेता है कि आपके कैसा प्रोजेक्ट है. अगर कंपनी प्रोजेक्ट लगा रही है, समझ लें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पैसा बनाने के, तो कंपनी क्या करेगी उस प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी डेट इशू ज़्यादा करेगी एज कम्पेयर टू इक्विटी. की वजह ये होती है कि डेट जो है वो जब आप डेट इशू करेगी तो इंटरेस्ट जितना भी अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है प्रोजेक्ट लेट्स सपोज 20% प्रोड्यूस कर रहा है तो उसने 10% पे डेट इशू की और उससे आपने प्रोजेक्ट लगाया 10% की कॉस्ट पे की 10% बाकी अपने जेब में रखे. सो व्हाट विल हैपन, आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का रिटर्न बढ़ जाएगा. अगर आप नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो आपके इन्वेस्टर ज़्यादा हो जाएंगे, देन यू हैव टू शेयर द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोजेक्ट टू द न्यू इशू. तो कंपनी को अगर ये लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट 100% हिट जाएगा और मुझे रिकवर हो जाएगा तो कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर है वो डेट इशू करे.
अगर कंपनी इक्विटी इशू कर रही है तो दैट मींस कंपनी इज इन डाउट के प्रोजेक्ट के अंदर कुछ जो है ना, हो सकता है चांसेस ये हो कि वो प्रोजेक्ट के अंदर उस तरह का रिटर्न ना आए, तो वो डाउट की वजह से इन्वेस्टर समझते हैं कि प्रोजेक्ट को इतना अच्छा नहीं मिल रहा, तो अगर आपने इक्विटी इशू की है तो दैट वुड डिप्रेस द प्राइस। यहाँ बात समझ में आई, ये क्लियर हुई बात? जी सर, क्लियर है। Well, this is the calculation. New stock issue, ये D1 upon P plus G होता है KE, stock, common stock. और जब मैंने quotation add कर दी तो आप quotation 1 minus F add कर दी तो you'll get 15.4. So then you can calculate WACC. WACC आपने calculate कर लिया, इन सबको multiply कर दिया उसके weight से तो you'll get 11.1 which is the cost of capital. सही है? यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चंस, कोई सवाल? गुड। अब इसका मकसद तो चैप्टर का यही था कि वैक इसको निकालना। नाउ व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंपनीज कंपोजिट वैक? कंपोजिट वैक क्या होता है? एक तो कंपनी प्रोजेक्ट वाइज वैक भी निकाल सकते हैं और कंपनी का अपना कंपोजिट वैक भी होता है, यानी कि प्रोजेक्ट, तो ज़्यादा बेहतर यह है कि वैक प्रोजेक्ट वाइज निकाला जाए, और अगर आप कंपोजिट वैक निकाल रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की अपनी रिस्कीनेस से उसको एडजस्ट किया जाए, ज़्यादा बेहतर यह है। बहरहाल, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वैक? वो मार्केट कंडीशन हो सकती है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड पॉलिसी हो सकती है। कैपिटल स्ट्रक्चर से आपका वेट डिटर्मिन होता है, डिविडेंड पॉलिसी से आपकी कैश फ्लो डिटर्मिन होती है, तो ये दोनों चीज़ हो सकती हैं। अ फर्म विद रिस्कियर प्रोजेक्ट जनरली हैव अ हायर वैक। हायर वैक का मतलब क्या है? हायर पोर्शन ऑफ डेट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रोजेक्ट रिस्की है तो वो डेट बेस ज्यादा होगा, ठीक है। शुड द कंपनी यूज कंपोजिट वैक? ये मैंने आपको बता दिया, नो कंपोजिट वैक रिफ्लेक्ट्स द रिस्क ऑफ एन एवरेज प्रोजेक्ट लॉजिकली, देयरफॉर जो हर्डल रेट आप या जो बेंचमार्क वैक का रख रहे हैं वो एक एवरेज प्रोजेक्ट का रख रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है उस एवरेज ज्यादा रिस्कियर हो, तो इस वजह से कंपनी शुड टेक अ प्रोजेक्ट वैक रादर देन द कंपोजिट वैक। ये जो है वो जिस तरह हमने SML लाइन बनाई थी, इसी तरह से ये वैक की जो है लाइन है। इसके अंदर आप ये देखें, जितना रिस्क बढ़ता रहता है वैक आपका बढ़ रहा होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि देखें ना, वैक में कॉम्पोनेंट होता है डेट और इक्विटी का, तो जैसे जैसे आपकी जैसे जैसे आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है तो डेट भी एक्सपेंसिव होती रहती है, इक्विटी भी एक्सपेंसिव होती रहती है। तो जैसे जैसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है उतना ही आपका रिस्क बढ़ रहा होता है, बिकॉज यू आर अ मोर चांस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है ना। कंपनी के एसेट जितने नहीं होते कि वो प्लेज कर सकें उस डिफॉल्ट को, तो जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता रहता है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे रिस्क बढ़ता रहता है वैक भी बढ़ता रहता है। सो अगर आपका ये दैट वुड बी अ डिजायरेबल वैक, अगर आपका एक्चुअल वैक इसके ऊपर ही नीचे आ रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना रिजेक्ट कर लेंगे। यानी कि आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इस वैक से ऊपर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस केस के अंदर जो है वैक इज 10%, आपकी कंपनी अगर ए पर है विच इज 10.5% रिटर्न दे रही है, रिटर्न कैसे दे रही है वो अगले चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे, तो दैट मीन्स यू विल बी एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टिंग द प्रोजेक्ट। सही है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? चलें, गुड। प्रोजेक्ट रिस्क जो है, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क होते हैं। स्टैंड अलोन, विच इज द, जैसे वही हमने जब रिस्क की बात की तो हमने कहा था दो तरह के रिस्क होते हैं, स्टैंड अलोन और मार्केट रिस्क, यानी अनसिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक। इस तरह प्रोजेक्ट रिस्क भी तीन तरह के होते हैं। स्टैंड अलोन रिस्क भी होता है प्रोजेक्ट का, जो कि प्रोजेक्ट से स्पेसिफिक होता है। कॉर्पोरेट रिस्क एक दूसरा लेवल आ गया, जो कि तमाम प्रोजेक्ट, यानी जो समझ लें कॉर्पोरेशन से स्पेसिफिक होता है। और तीसरा मार्केट है, तो वहाँ पे हमारे दो लेवल्स है, बिकॉज वी वर डीलिंग अबाउट कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे हम क्योंकि प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो वन इज द यानी प्रोजेक्ट का अनसिस्टमेटिक रिस्क जो होता है वो प्रोजेक्ट का होता है, और सिस्टमेटिक रिस्क उस कॉर्पोरेशन का भी उसके सिस्टम के अंदर आ जाता है। एंड देयर इज अ वाइडर सिस्टमेटिक रिस्क व्हिच इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। क्लियर है बात? एनी क्वेश्चंस? मार्केट रिस्क थ्योरेटिकली बेस्ट इन मोस्ट सिचुएशन, आवर ऑपरेटर्स, कस्टमर, सप्लायर्स, एम्प्लॉयर आर मोर अफेक्टेड बाय कॉर्पोरेट रिस्क। तो ये मैंने आपको बताया ना कि उसका सिस्टम जो है, उस प्रोजेक्ट जो सिस्टम में है वो कॉर्पोरेशन है, तो कॉर्पोरेट रिस्क जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर, और उसके ऊपर जो मार्केट रिस्क है लाइक एक्सचेंज रेट वगैरह वगैरह।
Now, problems areas in cost of capital. क्या प्रॉब्लम आ सकती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर? नंबर वन इज डेप्रिसिएशन जनरेटेड फंड. व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ, देखें एक पॉइंट समझ लें. डेप्रिसिएशन क्या होता है कि भी आपने जो है डेप्रिसिएशन जो हर साल आप अपने फिक्स एसेट को डेप्रिसिएट करते हैं, तो डेप्रिसिएट जब करते हैं तो अकाउंट में जा रहा होता है बेसिकली, इट्स अ नॉन कैश. सो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इज अ काउंटर एसेट, इट्स एन अकाउंट और वो फंड है, कैश आउट नहीं होता. तो डेप्रिसिएशन का कैश आपके पास एसेट में मौजूद रहता है. तो ये कहने का मकसद ये है कि समटाइम्स कंपनी जो है कैन यूज डेप्रिसिएशन जनरेटेड फंड इन इट्स कैपिटल, विच इज नॉट करेक्ट. अगर आप डेप्रिसिएशन जनरेटेड फंड को प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, सो आपको उसकी कॉस्ट डालनी पड़ेगी, और कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन जनरेटेड फंड इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ. बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई जो लास्ट बात हुई है? जी सर, ये रिपीट कर दें तो आपकी आवाज जो है वो पीछे से कुछ कनेक्टिविटी शायद इश्यू हो गया था, वो एको हो रही थी. तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन जो है इट्स बेसिकली दिस इज अ फंड, ठीक है ना, इट्स अ नॉन कैश आइटम. तो जब डेप्रिसिएशन जब आप एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, हर साल आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करते हैं, यानी यू बुक एन एक्सपेंस, और उस एक्सपेंस के अगेंस्ट आप क्या करेंगे, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करेंगे. तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश, तो दैट मीन्स के उस एक्सपेंस के अगेंस्ट कैश क्रेडिट नहीं हुआ. तो दैट मीन्स के डेप्रिसिएशन क्या, जो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसकी प्योरली एक्युमुलेटेड फॉर्म जो है आपके पास कैश में पड़ी होती है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट एसेट. सो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको जब कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो यू नीड कैश फंड्स. तो आपने कहा कि भाई रिटेन अर्निंग का फंड भी कैश में पड़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन के जनरेटेड एसेट्स का फंड भी कैश में पड़ा हुआ है, तो वाई डोंट वी एम्प्लॉय ऑल द कैश दैट इज अवेलेबल टू द कंपनी इन योर इन द प्रोजेक्ट. इसके अंदर मसला क्या होता है, वो बिल्कुल वही मसला होता है जैसे आपने रिटेन अर्निंग को यूटिलाइज किया. तो रिटेन अर्निंग इज अ फंड, इट्स अ नॉन कैश फंड, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो उसके अगेंस्ट आपका कैश पड़ा होता है, तो जो आपने वो यूटिलाइज किया. बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने डेप्रिसिएशन के फंड भी यूटिलाइज किया तो उसके अगेंस्ट भी उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी. जैसे रिटेन अर्निंग एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर, तो उसकी कॉस्ट होती है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. इसी तरह डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट होगी दैट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जिस रेट पर आपने इन्वेस्ट किया हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिले, सो आप उसको यूटिलाइज करें. तो इस वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम भी आ सकती है समटाइम्स. अगर आप डेप्रिसिएशन जनरेटेड फंड को एज जीरो कॉस्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपका वैक अंडर रिपोर्ट हो जाएगा, यानी कि वैक कम हो जाएगा, एंड यू विल बी सेलेक्टिंग दोस प्रोजेक्ट विच माइट हैव लोअर रिटर्न. इस वजह से वैक को सही रखने के लिए आपको हर चीज कंपोनेंट की कॉस्ट डालनी जरूरी है. क्लियर हुई, समझ में आई बात? यस सर. प्राइवेटली ओन्ड फर्म प्रॉब्लम क्या आ सकती है प्राइवेटली ओन्ड के लिए, कि प्राइवेट ओन्ड फर्म के अंदर बीटा भी नहीं होता, प्राइस भी नहीं होता, तो उसके अंदर आप सब्जेक्टिव जजमेंट एडजस्टमेंट करते हैं. बीटा निकालना प्राइवेटली ओन्ड फर्म के लिए बहुत मुश्किल है. उसके लिए एक तरीका होता है फंडामेंटल बीटा, जो आप शायद आगे हायर लेवल में शायद पढ़ें आप, तो उसके लिए बहुत डिटेल एनालिसिस सब्जेक्टिव एनालिसिस किया जाता है या अकाउंटिंग बीटा से निकाला जाता है. तो ये दैट इज़ अ डिफिकल्ट मेथडोलॉजी, तो वो डिफिकल्ट भी है और सब्जेक्टिव भी है, तो उसके अंदर सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है. इसी तरह से अगर आप बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम पे जाते हैं, अगेन उसके अंदर सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है. तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेटली ओन कंपनी है, तो उसके अंदर जो वैक होगा इट इज़ वेरी मच टिल्टेड टुवर्ड्स सब्जेक्टिविटी. तो इसकी वजह से उसको सही फॉर्म में लेना और उसको बेंचमार्क बनाना ज़रा एक रिस्की काम है. सही है, ठीक है, क्लियर है. मेजरमेंट प्रॉब्लम भी आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल बीटा इटसेल्फ जो है वो मेजरमेंट प्रॉब्लम करता है, बिकॉज बीटा टेक्निकली शुड बी बेस्ड ऑन फॉरवर्ड लुकिंग. हम जो है बीटा को हिस्टोरिकल ले रहे होते हैं, तो हमने अज्यूम किया हुआ होता है कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ. तो सबसे बड़ी मेजरमेंट प्रॉब्लम तो यही है कि बीटा शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग. सो फंडामेंटल बीटा कैलकुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्टिविटी होती है. तो वही बात जो हमने रिस्क एंड रिटर्न में की थी, ये वही वाली बात है कि दे आर ह्यूज मेजरमेंट प्रॉब्लम्स. सही है. एडजस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डिफरेंट रिस्क मीन्स के इफ़ यू हैव अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का आपने एक तो अगर कंपोजिट कॉस्ट वैक निकाला है, तो कंपोजिट वैक को प्रोजेक्ट में कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे, तो उसके अंदर जो प्रोजेक्ट के अपने जो रिस्क होते हैं उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो दिस माइट बी द अदर प्रॉब्लम. कैपिटल स्ट्रक्चर वेट्स,
यानी कि जो वेट जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव इस वेट के साथ है, तो आप अगर वेट सही नहीं डालेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के तो आपका वेट चेंज हो जाएगा. सो वेट के अगेन एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है. जैसे मैंने आपको पॉलिसी बताई कि व्हाट वुड बी द पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, सो वो दे कैरी अ सब्जेक्टिविटी विद इन इटसेल्फ. सो ये क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? गुड. सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कंपोजिट वैक में, वो हमने डिस्कस कर लिया. सही है ना? और वो सब्जेक्टिव एडजस्टमेंट जो है बेस्ड ऑन द रिस्क होता है. अगर उस प्रोजेक्ट का रिस्क कंपनी के रिस्क से ज्यादा है तो यू वुड बी सब्जेक्टिवली एडिंग दैट एक्स्ट्रा रिस्क. ठीक है? और अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड बी प्रोजेक्ट डिविजन वर्स स्टैंड अलोन फर्म. दूसरा एक ऑप्शन ये होता है, एक तो ऑप्शन ये सब्जेक्टिवली एडजस्ट करें, और दूसरा ये कि मेक अ प्रोजेक्ट एंड स्टैंड अलोन फर्म. यानी कि आप हाइपोथेटिकली अज्यूम करें कि ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्टैंड अलोन फर्म है, ये प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है, एंड ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोजेक्ट एस्टिमेट द प्रोजेक्ट. अब वही वाले फंडामेंटल बीटा निकालना पड़ेगा. इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, ये डिटेल इसकी मौजूद होती है. मतलब किसी वक्त वो खैर टॉपिक अलग है, इसका कॉम्प्लेक्स मेथड्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप करते हैं. तो बहरहाल ये भी एक तरीका है टू अज्यूम दैट द प्रोजेक्ट इज बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म. सही है? क्लियर है? यस सर. सवाल है पूछ लीजिएगा. ओके सो सर, जब हम इस वाली कंडीशन पे जाते हैं, जब हम प्रोजेक्ट को स्टैंड अलोन फर्म क्रिएट करते हैं, तो क्या जो हमने तीन फैक्टर्स पढ़े थे उसमें से हमें फिर कॉर्पोरेट रिस्क वाला जो फैक्टर है वो फिर हम ओमिट कर देते हैं उसमें? हाँ, जब आपने स्टैंड अलोन फर्म को अज्यूम किया उस प्रोजेक्ट को, तो उसके अंदर जब आप जैसे कैपएम से आप उसका प्रोजेक्ट का वो निकालेंगे या बीटा निकालने जाएंगे, तो उस बीटा के अंदर उसका एडिशनल रिस्क ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा ना. तो एवरीथिंग विल बी, इसी तरह से आप अगर DCF के थ्रू भी जाएंगे तो उसके अंदर आप जो रिस्कीनेस उसके अंदर डाल रहे होंगे. तो वैसे ही जैसे हमने एक आम कॉर्पोरेट एक शेयर के साथ किया था, वैसे ही हम उस प्रोजेक्ट के साथ एज अ स्टैंड अलोन कर रहे हैं. सही? ओके. और कोई सवाल? तो ये एक सवाल है फाइंडिंग डिविजनल कॉस्ट, ये आप कर लीजिएगा. So this is the end of this chapter. Chapter आसान था. So if you have any questions, queries, तो वो कर लें. तो उसके बाद we'll take a break, और break के बाद we'll start another chapter. ये भी हो सकता है, या अगर आप लोग अपने यहाँ घरों पर हैं और पास paper pencil हैं तो we can have a case as well. तो ये decide कर लेते हैं. So you have any questions? Not possible.